नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के नए पुलिस कप्तान ने पदभार ग्रहण करते ही दिए निर्देश कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ किसी तरह की कोई भी सहानुभूति नहीं बरती जाएगी। उन्होंने जिले के सभी थाना एवं ओपी प्रभारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाएंगे। इस दौरान अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पाई जाती है तो उसके खिलाफ जाँच कर सख्त से कार्यवाही की जाए। इसी कड़ी में शुक्रवार को निरसा के मैथन पुलिस द्वारा मैथन संजय चौक के समीप ओपी प्रभारी के नेतृत्व में एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस संबंध में मैथन ओपी प्रभारी माइकल कोड़ा ने कहा, बंगाल की सीमा से सटा होने के कारण सतर्कता बरतनी पड़ती है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार क्षेत्रों में एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सभी वाहनों की डिक्की, हेलमेट और गाड़ियों के कागजात की जांच की जा रही है ताकि क्षेत्र अपराध मुक्त बन सके। नॉर्थ छोटा नागपुर मंडल ब्यूरो आजाद अंसारी की रिपोर्ट। वाहनों की जांच अभियान चलाई जा रही है। ये वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार क्षेत्र में समय समय पे काफ़ी ये आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसके चलते ये कंटिन्यू चेकिंग हो रहा है, जिसमें आर्म्स की अवैध जो भी सामान हो उसके रोकथाम के लिए ये चेकिंग लगाया जा रहा है। ये कंटिन्यू लगाने से एक तो आपराधिक गतिविधि भी घटेगी, इससे क्षेत्र में शांति और अमन के साथ ये कायम रखने के लिए ये चेकिंग लगाया जा रहा है। ये कंटिन्यू समय समय पे और थाना क्षेत्र के जगह जगह पे जो वरीय पदाधिकारी के दिए हुए निर्देश अनुसार ये चेकिंग किया जा रहा है।